भोजपुर में जो दो दो चुनाव हो रहे हैं, एक तो लोकसभा के चुनाव है जिस चुनाव के लिए आपके उम्मीदवार और साथी सुदामा जी, और आगे विधानसभा का उपचुनाव जिस चुनाव के लिए आपके उम्मीदवार साथी श्री प्रकाश रंजन जी, और इस सभा में उपस्थित तमाम भाइयों और बहनों, किसान मजदूर साथियों, नौजवान दोस्तों, जगदीशपुर के तमाम प्रबुद्ध नागरिकों, पत्रकार मित्रों, आप लोगों को इनकलाबी सलाम। बिल्कुल आखिरी चरण है, कल तो आईपीएल का फाइनल हो गया है और चुनाव का फाइनल 1 तारीख को होना है। 1 तारीख को फाइनल होना है और बिहार में हमारे पास 8 सीट है, शाहबाद के 4, मगध के और 4, आरा, काराकाट, बक्सर और सासाराम, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, जहानाबाद और नालंदा। तो आखिरी चरण में आप देखते हैं कि क्रिकेट के मैच में आखिरी ओवर में कैसे मैच जिताया जाता है। महेंद्र सिंह धोनी आते थे, एक चौका छक्का जड़ जड़ के मैच जिता देते थे। बिल्कुल उसी तरह मैं तो कह रहा हूं कि मोदी जी आ रहे हैं बिहार में और नो बॉल फेंक रहे हैं। नो बॉल में जैसे फ्री हिट मारा जाता है, तो पूरे भोजपुर के लोगों को, मगध के लोगों को दो दो फ्री हिट मार करके 200 जड़ जड़ चाहिए इस गाँव में, और आपको जीतना है। उपचुनाव भी आपके लिए, आप देख रहे हैं कि मोदी जी के राज में पिछले 10 साल में 400 से ज्यादा विधायकों को खरीदा गया, विपक्षी दलों को तोड़ा गया। अभी भाई मुकेश सहनी बता रहे थे कि इनकी पार्टी वीआईपी जो 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन में शामिल थे, किस तरह से इनकी पूरी पार्टी को हड़पने का काम किया, इस घमंड को तोड़ने के लिए है। ये चुनाव इस लोकतंत्र को बचाने के लिए है और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की रक्षा करने के लिए है। मोदी जी का इस चुनाव में कुछ चल नहीं रहा है। एक बड़ी जीत हम लोगों ने हासिल की, 4 तारीख को परिणाम आएगा, लेकिन 4 तारीख से पहले ही एक बड़ी जीत हम लोगों ने हासिल कर ली। इस चुनाव में मोदी जी का कोई भी जुमला नहीं चला, मुख्यमंत्री थे।
दलितों को, पिछड़ों को जो आरक्षण मिला उसमें मुस्लिम जातियों को भी पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण मिला हुआ है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट, मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आई और बीपी सिंह की सरकार की हम लोगों के सबसे समर्थन से वो रिपोर्ट जब लागू हुई, उस समय से इस देश के कुछ मुस्लिम जातियों को मुस्लिम होने के नाते नहीं, पिछड़े होने के नाते, उनके पेशे के चलते, उनकी सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन के चलते आरक्षण मिला हुआ है। और मोदी जी आकर के झूठ बोल करके इसमें हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्यों? मोदी जी को डर है। किस बात का डर है? डर है कि बिहार से जो एजेंडा खड़ा हुआ है, बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई है, जाति आधारित जनगणना सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बाद आरक्षण का विस्तार हुआ है, 50% की सीमा तोड़ करके 75% आरक्षण का व्यवस्था उसकी की गई है, जिसमें दलितों को, मां दलितों को, अति पिछड़ों को, पिछड़ों को सबसे ज्यादा आरक्षण मिला है। तो आज हिंदुस्तान की मांग है कि देश में जाति आधारित जनगणना कराओ और सबके लिए उचित आरक्षण का इंतजाम करो। मोदी जी आ करके इसमें हमें डराने की बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा संविधान, जिस संविधान के तहत देश में लोकतंत्र है, जिस संविधान के तहत इस देश में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में लसाड़ी के किसानों ने शहादत दी, ये भोजपुर की धरती है जहां से मास्टर जगदीश नामेश्वर और रामेश्वर यादव ने सबसे पहले 70 के दशक के शुरू में सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद किया, गरीबों के मान सम्मान का झंडा बुलंद किया। ये आरा भूमिहीन मजदूरों में जो वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता था, उस अधिकार को अपने हाथ में लिया और अपनी रामेश्वर प्रसाद जी को यहाँ से सांसद बना करके आपने भेज दिया था दिल्ली की संसद में। यह आपका इतिहास है। और इस बार के चुनाव में मैं देख रहा हूँ जो बड़ी जीत देश की जनता की हो चुकी है, आपने चुनाव को एक जन आंदोलन में तब्दील कर दिया है। इस देश के किसानों ने अभी हरियाणा अधिकारों की रक्षा के लिए इस चुनाव को एक तरह से आजादी का आंदोलन बना दिया। साथियों, बस 1 तारीख को आखिरी वोट डालेंगे, आखिरी फैसला तो जिताइए हमारे दोनों किसान नेता, पूरे देश के किसान आंदोलन के नेता और दादाजी किसान के साथ साथ पूरे भोजपुर के, पूरे बिहार के छोटे व्यवसायियों के लिए भी हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। चुनाव आयोग बहुत पारदर्शिता इस बार चुनाव आयोग की दिख नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूरे हिंदुस्तान ने कहा, तब भी आंकड़े बताने में चुनाव आयोग आनाकानी कर रहा था। और इसलिए आपसे कहेंगे कि जमकर वोट दीजिए, जमकर वोट दीजिए, ताकि 4 तारीख को जब मशीन खुले, जब गिनती शुरू हो, और 3 तारा की जीत अज्ञान से, आरा से, ताराकाट से, नालंदा से,
जिताइए और आपके न सिर्फ सांसद बदल जाएंगे बल्कि मोदी जी की सरकार भी विदाई हो जाएगी। और इसलिए हम आपसे कहेंगे इस बार हमारा नारा है सांसद बदल दो सरकार बदल दो बेईमानों का नाच बदल दो सांसद बदल दो सरकार बदल दो अहंकारियों का नाच बदल दो। आपके इस इलाके में जो आपके मंत्री हैं कभी किसी काम में कभी आते नहीं हैं और यहाँ के लोग कहते हैं कि वोट उनको लेना है आरा से और काम करना है कहीं और। ये जो अन्याय आरा के मतदाताओं के साथ हो रहा है इसका अंत कीजिए। सुदामा जी को भेजिए एक ऐसे नेता एक ऐसे साथी आपको मिले जो संसद में भी आपकी आवाज बने और संसद के बाहर भी सड़कों पर भी खेत गली आलों में पंचायत में गली मोहल्ले में भी आप हमेशा साथ दे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ और 4 तारीख को पूरे देश को आजादी मिल जाए। 10 साल से मोदी जी के राज में जो नफरत जो हिंसा जो पूरे देश में विभाजन जो पूरे देश में बर्बादी हो रही है ये बर्बादी का राज समाप्त हो और हिंदुस्तान में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के मुताबिक कानून का राज हो लोगों का राज हो लोगों की सुनवाई हो लोगों को हक मिले। इसी के साथ आप तमाम साथियों का इस गर्मी में आप आए इतनी बड़ी तादाद में आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद भाकपा माले जिंदाबाद इंडिया।